तो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द एनिमे बस के एक और वीडियो में। और ड्रैगन बॉल सुपर का एक नया एनिमे अनाउंस कर दिया है, जो एक्चुअली में ड्रैगन बॉल सुपर नहीं है, टेक्निकली बस एक ड्रैगन बॉल का एनिमे है, जो उसमें हम टोरियामा ही उसे राइट करने वाले हैं। बट उसमें हमारे जो बेसिकली जो टोटल ड्रैगन बॉल के कैरेक्टर है वो किड बनने वाले हैं और उसके ऊपर कुछ तो बेसिकली दिखाने वाले। तो इतना कुछ खास नहीं था ड्रैगन बॉल की अनाउंसमेंट का, जितना हाइप था कि शायद से ड्रैगन बॉल सुपर अनाउंस होगा। सुपर का तो कुछ आता पता भी नहीं रहा, बट ठीक है जो है वो है, देखेंगे। अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो, नहीं देखना तो मत देखो, इतना कुछ फोर्स नहीं किसका कि आपको देखना पड़ेगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है, जो सुकुना का वॉइस एक्टर है, सुकुना का वॉइस एक्टर ही एडमिरल रिकोगो को आवाज देने वाला है इन द वन पीस, जो अब उनका डेब्यू ऑलमोस्ट पास ही आ गया है। वो एक बहुत ही लेजेंडरी वॉइस एक्टर ज्वाइन करने वाला है वन पीस को। अगर ये कम नहीं था तो फिर किलुआ का जो वॉइस एक्टर था वही वॉइस एक्टर होने वाला है किड गोजो का, मतलब किड गोजो का भी वॉइस एक्टर नेक्स्ट लेवल होने वाला है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू फाइनली सी किड गोजो इन एक्शन, और उसका वॉइस तो सुनने में नेक्स्ट लेवल मजा आने ही वाला है, क्योंकि किलुआ का आवाज टेक्निकली वापस से सुनने मिलने वाला है। कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था क्रंचीरोल इज गोइंग ऑल आउट इन इंडिया, तो ये एक्चुअली में सच हो रहा है, क्योंकि वन पीस का उन्होंने एक बड़े बिलबोर्ड के ऊपर अब एडवर्टाइजमेंट चालू कर दिए कि वन आर फाइनली आ रहा है ऑन क्रंचीरोल, और वो भी इंडिया में। तो क्रंचीरोल बिल्कुल भी बैकफुट पे नहीं जा रहा है, क्रंचीरोल एक नॉकआउट पे नॉकआउट करते जा रहा है उनके पब्लिसिटी में या फिर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज करने में, क्योंकि उनको पता है कि वन पीस कितने बूम में चल रहा है, तो वो भी अपने खुद को प्रमोट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ वन पीस। वन पीस फाइनली में पूरा वानो आर्क हमें देखने मिलेगा ऑन क्रंचीरोल, मतलब लीगली में फर्स्ट टाइम हम वन पीस को देख पाएंगे इन इंडिया। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसे सिमिलर कंटेंट के साथ। तो सी यू गाइस एंड लेटर। अरिगातो।